हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वॉट एवर टाइम यू आर वॉचिंग इट। वी आर एट दिस वेरी फैंसी और बहुत ही प्यारा गोल्डन होटल। सो दिस इज अ गोल्डन सिटी एंड सारे के सारे यहाँ पे होटल्स, होम्स वगैरह सब कुछ गोल्डन है और यहाँ पे दोहरे वगैरह भी। सो दैट्स व्हाई द गोल्डन सिटी। और अभी हम लोग जा रहे हैं जैसलमेर फोर्ट। Welcome to Jaisalmer Fort. Let's go. राजस्थान को रंगीला राजस्थान क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे सिटियों के कलर अलग है, सबके भाषाओं का बोलने का तरीका अलग है, सबका खान पान अलग है। जैसे आप राजस्थान की हर शहर को 60-60 किलोमीटर पे ऐसे चलते जाओगे वैसे आपको भाषा चेंज मिलेगी। एक और चीज़, यहाँ पे जो भी गेट्स है ना वो बहुत छोटे छोटे रखे गए थे। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ जब भी दुश्मन वार करे और वो छोटे गेट से गुजरे तो उसको अपनी गर्दन नीचे करनी पड़े और तभी उसकी गर्दन टक। राजा का राज सिंहासन सिल्वर में बना हुआ, प्योर सिल्वर लस्सी। ये ऐसे मेरे घर पे भी बने हुए थे, पुराना वाला जो मेरा घर था, बट देन अभी नया बना रहे तो। एंड राइट नाउ वी आर एट द टॉप ऑफ जैसलमेर। भाई क्या प्यारी जगह है, क्या प्यारी जगह है, बहुत। आई होप यू एंजॉय इट, सी इन द फ्यूचर एक्सपीरियंसेस। एंड वी आर विटनेसिंग अ वेरी ब्यूटीफुल सनसेट वेरी सून, बट विल गो राइट नाउ। हैव अ गुड टाइम, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट टिल हियर। आई हैव अ बोनस प्लेस फॉर यू। गोल्डन ग्रुप हाउस द जॉस। आज से 250 साल पहले जब अपना भारत पाकिस्तान एक था तो ये लोग व्यापार करते थे सिंध के अंदर। सिंध जो अभी पाकिस्तान के अंदर है उसमें सोने का, चांदी का, ड्रग्स का, अफीम का कारोबार करते थे। अपनी कमाई का 1/4 भाग राजा को देते थे। तो आज से ये 250 साल पहले ये लोग कैसे थे, जैसे अभी अपना अंबानी परिवार है। इनके कैरोसिन से चलने वाले फ्रिज, कूलर, टीवियाँ, पंखे अभी भी इसके अंदर हैं। और इनके छत है जो सोने के, कांच के, पीतल के, लकड़े के बने हुए हैं। और ये जो हवेलियाँ बनी है ये 5 भाइयों के लिए अलग अलग 5 हवेलियाँ बनी हुई है। And that is the very famous Jaisalmer Fort.